लैंड लॉर्ड पाकिस्तानी है लेकिन उनके भी लैंड लॉर्ड है एक हाँ, जो कि जो इंडियन, इंडियन है इंडियन गुजराती है और एक वाइब अच्छी थी तो पता ही नहीं चला कब सारा शूट हो गया मेरे को ना एक्चुअली पिकअप लाइन का मैं उस कल्चर से नहीं हूँ मैं ऐसे कल्चर से हूँ जहाँ पे आप एक डेढ़ साल तो सोचने में लगा देते हो किसी को अप्रोच करने के लिए फिर उसको एक आधा साल इम्प्रेस करने में लगा देते हो वहाँ देखा घूमे और बड़ा मज़ा आया और एक बार मैं टू थाउजेंड में भी गया था वो भी बड़ी सुंदर ट्रिप थी मेरा नहीं उनको चूज करना है क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में वो लोग बनाते हैं <laughs> <laughs> तो वो आपको देरे 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 वो आपको बड़ी बात है। मोटिवेटेड रहना कैसे हंड्रेड परसेंट देना और हर बार रीडिफाइन करना चीज़ों को बहुत बहुत बड़ी बात हेलो आई एम सुनील ग्रोवर एंड यू वॉचिंग मी ऑन कोई मोई डॉट कॉम

बधाई के लिए भी शुक्रिया मुझे अच्छा लगता है कि मैं लग रहा है कि अभी काम करना शुरू किया है और और है भी ऐसा ही क्योंकि इस फील्ड की सबसे अच्छी बात है कि नए नए कैरेक्टर्स जब आते हैं नए रोल आते हैं नए सब्जेक्ट्स आते हैं नए टॉपिक्स पे जब हम, हम काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत ही की है हमें अच्छी लगता है कि आपने अभी ही शुरुआत की है क्योंकि हम लोग अभी आपको ऐसे रोल्स में देख रहे हैं जो बहुत अलग होते हैं तो सबसे पहले यूनाइटेड कच्चे ये कैसा आया आपके पास क्योंकि ये बहुत भी है। हम लोग सोचते नहीं है तो ये शो आपको मिला और आपने हाँ क्यों बोला इसको यूनाइटेड कच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि नाम बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने कच्चे, और यूनाइटेड कच्चे मतलब कच्चे मतलब वो जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूके uh, में रहते हैं उसके बारे में कहानी है लंदन में स्पेशली uh, तो एक सिट कॉमिश सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कुछ लोग घर में हैं और आपस में उनकी लाइफ में स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ कॉमेडी शो तो और ये जो कॉन्सेप्ट जब मैंने उनसे सुना कि यार यूके में लंदन में एक शो शूट करने वाले हैं सिटकॉम है तो मुझे ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि इ लोग हैं वहां रहते हैं हैं उनके बारे में में है तो 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 ये ये कोई जल्दी नहीं करेगा तो Z5 को बहुत-बहुत की आ, भी करता हूं कि ये सोचा कि सोचा ऐसा करते तो इसलिए मैंने मैंने मुझे अच्छा लगा सुनने में तो मैंने किया आप खुद एक छोटे टाउन से मुंबई आ चुके हो। जी. सो आपकी जब आप यहां पे क्या आपका भी सीन ऐसा ही था कि घर बार सब कुछ,

फिर फिर वहाँ से मेरी थोड़ी सी क्लास लगी तो काम की तलाश की और काम धंधा ढूंढा धीरे धीरे ठीक हो गया तो आधा सोफा कभी आधा सोफा नहीं मिला पूरा बिस्तर मिला कुछ साल लग गए लेकिन हाँ मिला पूरा बिस्तर पर अब क्या हो गया ना इतना टाइम तक आधे सोफे पे सो लिए कि अब पूरा हो भी तब भी आधे में सोता हूँ <laughs> वो हैबिट हो चुका है अभी हाँ। जब हम लोग यही शो के बारे में बात करें तो इट्स अबाउट यू गोइंग अब्रॉड और वहां पे यू आर नॉट इंडियंस के के साथ लैंड लॉर्ड है वो पाकिस्तानी है आपका जो सोफा मेट है वो बांग्लादेशी है तो उनके साथ एक्ट करने में या फिर बातचीत करने में कोई अच्छा सा मोमेंट हुआ था आ, जो लैंड लॉर्ड पाकिस्तानी है लेकिन उनके भी लैंड लॉर्ड है एक हाँ, जो वो इंडियन, एक, वो इंडियन है वो इंडियन है वो इंडियन गुजराती है तो जो सतीश शाह जी कर रहे हैं तो ये ऐसा एक ऑर्डर है बहुत अच्छा मजा आया शूट करने में और मौसम भी अच्छा था और एक वाइब अच्छी थी तो पता ही नहीं चला कब सारा शूट हो गया और हमने एक्चुअली हार्डली कोई ब्रेक लिया बीच में कंटिन्यूअसली शूट कर रहे थे तो वो अच्छा रहता राइट इन्सटेड ऑफ टेकिंग स्केजुल्स या वन वन स्ट्रेट स्टार्ट टू इंस्�

आप एक डेढ़ साल तो सोचने में लगा देते हो किसी को अप्रोच करने के लिए फिर उसको एक आधा साल इंप्रेस करने में लगा देते हो, चाहे वो और वो और टाइम भी ऐसा था कि इस मतलब एक लड़की को अप्रोच करने में तीन साल निकल जाते थे चार साल तो मेरी वो पिकअप वाली है ही नहीं वो वो सोच भी नहीं है तो डर लगता था कहीं अप्रोच <laughs> करने जाए मुझे भैन जी तो नहीं निकल जाएगा <laughs> ओ बाप रे मैं तो हमारा जो जब जो 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 मैं स्कूल में पढ़ता था डबवाली में तो हमारी लड़कियां अलग बैठते थे लड़के अलग बैठते थे और उसमें ना जब इलेवेंथ या ट्वेल्थ में आया तो वहां पे एक बार एक लड़की ने मुझसे रास्ता ही पूछ लिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक किधर पड़ेगा तो मैंने ऐसे बोले यहाँ से पड़ेगा राइट जाकर दूर खड़ा हुआ लड़का तो उसको पता नहीं चला था क्या बात चल रही है वो यार तेरे से बात कर रही थी और वाह तेरे से बात कर रही थी और और कुछ दिन बाद पूछेगा पट वो आपसे हाँ तो लेकिन ऐसा था नहीं रास्ता ही पूछ रही थी तो फिर मैं भी अपने नंबर बनाने के लिए बोल देता था हाँ कह रही थी कि यार तू बड़ा गुड लुकिंग लड़का है और क्या टैलेंट है तेरा यार पढ़ाई में भी तो ऐसा मैं फेंक देता था वेल well, जब हम आपने वीव सीन द ट्रेलर और द टीजर में भी आपने ये बोला कि एज सुन एज रीच यू के आपका फर्स्ट सीन ये था कि

तो वहाँ देखा घूमे बड़ा मज़ा आया और एक बार मैं 2007 में भी गया था वो भी बड़ी सुंदर ट्रिप थी वो कुछ प्रमोशंस के लिए गया था बहुत मज़ा आया था तभी रियल लाइफ में कभी भी लगा कि हम लोग सिर्फ इंडिया ही वापस आ गए इट्स नॉट यूके इट्स इंडिया ओनली साउथ हॉल में हाँ। इस बार तो मुझे अभी हम लोग शूट कर रहे थे ना तो दिवाली का दिन था इतने पटाखे इतनी सेलिब्रेशन तो हमारे यहाँ नहीं होती इधर इंडिया में जितनी वहाँ कर रहे थे लोग पटाखे पटाखे चला रहे थे और मतलब गली के कॉर्नर पे नुक्कड़ पे इधर उधर मार्केट में माय गॉड इतनी ज्यादा और इतनी मिठाइयाँ वहाँ नहीं खाई इतना इंडियन खाना मैंने कभी यहाँ नहीं खाया पंजाबी खाना रोज छोले आ रहे हैं राजमा आ रहे हैं भटूरे कचौड़िया दाबेली ढोकला

तो तीनों खान में से आप किसको चूज करोगे मेरा नहीं उनको चूज करना है क्योंकि वो बड़ी-बड़ी फिल्में वो लोग बनाते हैं <laughs> तो आ, वो आपको तो चूज करते हैं वो बड़ी बात है आ, लेकिन अगर आपको किसी एक का नाम लेना है एज द बेस्ट कोच तो सबके साथ बहुत मजा आया अपनी अपनी अप्रोच सबकी बहुत अलग-अलग है जी और तीनों का अपना-अपना काम करने का मजा है मैं, मैं जैसे शाहरुख खान हैं उन, उनका मैं आ, उनकी फिल्में देखिए मैं फ़ैन रहा हूँ फैन हूँ भी और सलमान खान है उनका और इतना स्ट्रॉग है जब वो होते हैं आसपास और जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं तो सबका अपना अपना मजा है आमिर खान अपने काम की तरफ आर्ट की तरफ सीन्स की तरफ बहुत इन्वॉल्व होते हैं वो देख के बड़ा अच्छा लगता है इवन इवन शाहरुख सर वो भी ऐसे ही हैं बहुत इन्वॉल्व होते हैं देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो जादू लगता है सबको देख के कि कैसे uh, इतने मोटिवेटेड रहना और कैसे परसेंट देना और हर बार रीडिफाइन करना चीजों को बहुत बहुत बड़ी बात है वेल well, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है फैंस 31 मार्च को प्लीज V5 देखना यूनाइटेड कच्चे आ रहे है एंड ही इज ऑल सेट टू मेक अ लव विद अ ब्यूटीफुल सिटकॉम Thank you Sunil lovely talking to you and all the best for United Kachche thank you thank you.